63 साल की उम्र में भारत की एक महिला पावर लिफ्टिंग में 4-4 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। कौन है ये महिला, चलिए जानते हैं। केरल की 63 साल की रिनी ठकराल जी ने आज से 10 साल पहले वर्कआउट करना शुरू किया था। वर्कआउट में वो वेट लिफ्टिंग भी करती थी। साल 2019 में जब रिनी जी के ट्रेनर ने उनकी वेट लिफ्टिंग देखी तो उन्होंने रिनी जी को पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए कहा, जिसके बाद रिनी जी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक सभी कॉम्पिटिशन में भाग लेना शुरू कर दिया। और इस साल मई के महीने में अल्लापुरा में हुई एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप में रिनी जी ने स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट में गोल्ड मेडल जीत लिया। यही नहीं, पिछले वीक में ही मंगोलिया में हुई वर्ल्ड मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रिनी जी ने 3 और गोल्ड मेडल भी जीत लिए। जिस उम्र में लोग सारे काम धंधे छोड़कर आराम करने लगते हैं, उसी उम्र में रिनी जी अपने अंदर मेहनत और पैशन के जज्बे के चलते गोल्ड मेडल जीत रही हैं। तो गाइस, रिनी जी के इस अद्भुत जज्बे के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। हमारी भारतीय सेना ने अफ्रीका में उग्रवादियों के बीच फंसे 233 गोरखा जवानों को कैसे बचाया था और कैसे उन्हें सही सलामत भारत वापस लेकर आई थी, चलिए जानते हैं। दरअसल ये बात है 2 मई सन 2000 की, जब दक्षिण अफ्रीका के सियेरा लियोन में RUF के उग्रवादियों ने उत्पात मचा रखा था। इसे रोकने के लिए UN ने वहां शांति सेना भेजी थी, जिसमें भारत के गोरखा रेजिमेंट की 2 सैन्य टुकड़ियां भी शामिल थी। ये 2 टुकड़ियां सियेरा लियोन के केलाहू में तैनात थी, जो उग्रवादियों का गढ़ माना जाता है। शुरुआत में उग्रवादी सरेंडर करने के लिए मान गए थे, लेकिन जब सरेंडर करने का समय आया तो उन्होंने भारतीय सेना की इन 2 टुकड़ियों को ही बंधक बना लिया, जिसके बाद 12 जुलाई सन 2000 को ऑपरेशन खुखरी के तहत भारतीय वायुसेना, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और UN की शांति सेना में तैनात जवानों ने मिलकर RUF के उग्रवादियों पर जोरदार हमला कर दिया और 70 से भी ज्यादा उग्रवादियों को मार गिराया। साथ ही 60 दिन से बंधक बने सभी गोरखा जवानों को सही सलामत भारत वापस लेकर आ गए। गाइस, क्या इसके पहले तक ऑपरेशन खुखरी के बारे में आप जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपके आसपास के सरकारी अस्पताल में आपको समय रहते इलाज और फ्री में मेडिसिन नहीं मिल पा रही है तो इस अधिकार के बारे में जान लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार देश के हर एक नागरिक को ये मूलभूत अधिकार प्राप्त है कि उसे सरकारी अस्पताल में समय पर इलाज और फ्री में मेडिसिन दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी अस्पताल में मौजूद डॉक्टर आपको वही मेडिसिन देगा जो अस्पताल में उपलब्ध है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी आपका समय रहते इलाज नहीं किया जाता या फिर आपसे मेडिसिन के लिए पैसे मांगे जाते हैं, तो स्थिति में आप CMO और DM को शिकायत कर सकते हैं। और अगर वहां से कोई रिस्पांस ना मिले तो आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के दिए गए टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैल सके। गाइस, अगर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर गए हैं तो आप लोगों ने हवा महल तो जरूर देखा होगा, लेकिन हवा महल के बारे में एक फैक्ट शायद आप नहीं जानते। पूरी ही दुनिया में हवा महल इकलौती ऐसी बहुमंजिला इमारत है जिसकी नींव है ही नहीं, यानी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बिना नींव के खड़ी है। इसके आगे की वॉल की मोटाई 8 इंच है, जिसके सहारे 5 मंजिला इमारत को खड़ा किया गया है। पूरी ही दुनिया में ऐसा आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना शायद ही आपको देखने को मिले, जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग फ्लैट सरफेस पर सालों से खड़ी है। गाइज, इंडिया भी आर्किटेक्चर में किसी से कम नहीं है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है।